इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के अपने पहले मैच में हार झेलने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। इस अहम मैच के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज लसित मलिंगा की मुंबई की टीम में वापसी हुई है। श्रीलंका क्रिकेट ने हाल ही में कहा था कि विश्व कप में खेलने के लिए श्रीलंका के खिलाड़ियों को अपने घरेलू प्रांतीय टूर्नामेंट में खेलना आवश्यक होगा। इसके बाद मलिंगा ने मुंबई के लिए शुरुआती 6 मैचों से हटने का फैसला किया था, लेकिन बीसीसीआई ने श्रीलंकाई बोर्ड से आग्रह किया था कि वो मलिंगा को मुंबई के लिए जितना हो सके उतना मैच खेलने की इजाज़त दें, और अब श्रीलंकाई बोर्ड ने भारतीय बोर्ड के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। मुंबई को अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 37 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी। दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 27 गेंदों पर 78 रन की नाबाद पारी खेलकर मुंबई को मैच से बाहर कर दिया था। कप्तान रोहित शर्मा चाहेंगे कि उनके गेंदबाज पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़कर अपनी लय हासिल करें और टीम को शुरुआती सफलता दिलाएं। बल्लेबाजी में युवराज सिंह ने पहले मैच में 53 रन की पारी खेली थी। युवराज के अलावा बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके थे और अब उन्हें फॉर्म में लौटना होगा। दूसरी तरफ मेजबान बैंगलोर को भी अपने पहले मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने पहले मैच में मात्र 70 रन पर ढेर हो गई थी, जो कि आईपीएल के इतिहास में छठा न्यूनतम स्कोर है। इसके बाद चेन्नई ने 7 विकेट से मैच जीत लिया था। बैंगलोर टीम प्रबंधन सही से परिस्थितियों को पढ़ नहीं पाया। इसके अलावा उनके बल्लेबाजों ने भी खराब शॉट खेलकर अपने विकेट गंवाए। केवल पार्थिव पटेल ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो दहाई अंक तक पहुंचे थे। कप्तान कोहली ने 6 और एबी डिविलियर्स ने 9 रन बनाए थे। बैंगलोर को जसप्रीत बुमराह, मिचेल मैकलेनघन और बैन कटिंग के गेंदबाजी आक्रमण से सावधान रहना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज कौन सी टीम जीतेगी।